तो सर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि ईवीएम का जो हैक करने की बात कही गई थी कांग्रेस द्वारा, तो जो उजाला से विधायक हैं देवेंद्र जी, उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी ईवीएम थी, तब ईवीएम पर दोष नहीं दिया गया था, वो हर बार यही रहता है कांग्रेस का। देखिए कौन क्या कहता है मैं इस चक्कर में नहीं बढ़ता, लेकिन मैं सवाल छोड़ता हूँ सरकार के सामने। आप एक मोबाइल पूरा दिन प्रयोग करो उसकी बैटरी डाउन होगी ना, और शाम को उसी मोबाइल को अगर आप 99% बैटरी चार्ज दिखा दोगे तो बैटरी रिचार्ज हुई है, हुई या नहीं हुई? जब जहां हमारे जैसे विकास लड़ रहा था उनकी बैटरी है सारी 75%, और जो 14 असेंबली हरियाणा की उनमें बैटरी है 98-99%। तो कोई भी बुद्धिमान आदमी जिसने थोड़ा सा भी आईटी का ज्ञान है मोबाइल रखे, 2% तो यार मोबाइल इधर इधर अभी डिस्चार्ज हो जाए, और ये 3 दिन अंदर ही रही। सुबह पोलिंग के दिन 5 तारीख की पोलिंग की, हमारे वरिष्ठ नेता के पास टेलीफोन आया, एक व्हाट्सएप आया 6 बजे कि आपकी फला 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 असेंबली में जबरदस्ती हराया जाएगा। तो वही हुआ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि साइबर क्राइम, आपकी ओटीपी मुझे मिल गई, आपके खाते का पैसा मैं निकाल सकता हूं कि नहीं बताओ, निकाल सको? फिर जो पासवर्ड है, मशीन का पासवर्ड किसके पास है? 2 प्रकार की मशीनें हैं, एक अमेरिका से बन के आई थी, एक बनी है गुजरात में। सरकार के पास पासवर्ड कौन सी का भी नहीं, चिप इनकी अमेरिका में है। इस भैया कुछ भी गड़बड़ करो सारी क्यों करेंगे, इन्हें 14 कर ली काम चला लिया। ईवीएम और धन, यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के खून और पसीने की कमाई जो पिछले 10 साल अवैध रूप से लूटी है, वो हजारों करोड़ रुपए यहां खर्च किया, इसलिए हमारी हार हुई। वरना मैं तो धन्यवाद आज भी करता हूं जनता का कि इतने माल प्रैक्टिस करने वाले पार्टी, सत्ता का दुरुपयोग करने वाली पार्टी का मुकाबला भी हमारा वोट का तो 0.5% ही फर्क है, हमारे वोट बराबर है। तो जब इतना बुरा करने के बाद भी जनता ने हमारे वोट बराबर रख दिए, ये समझो ईमानदारी से वोट पड़ते तो हम कितने भारी वोट से हम जीतते। कांग्रेस अभी तक नेता विपक्ष नेता अभी तक कांग्रेस द्वारा नहीं किया गया। यार ये तो दुष्प्रचार किया जा रहा है, विपक्ष का नेता नहीं बना देंगे इसी के तोड़ोरी से। हमारे नेता, चुनाव है महाराष्ट्र का, चुनाव है झारखंड का, और एक एक स्टेट में 10-10 बाई इलेक्शन है, तो पूरे देश में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें बिजी हैं। और जब मैं दूसरी तरफ कर दूं कि नायब सैनी जी को बने हुए लगभग 27-28 दिन हो गए, आज तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं बना सके अपना, आज तक मुख्यमंत्री का कार्यालय का जो स्टाफ होता है, अधिकारी होते हैं, आज तक वो नहीं बना पाए, उनके पास है कुछ जवाब? इसका मतलब उनको अफसरों में विश्वास नहीं है। पीएस तो चीफ मिनिस्टर का सबसे पहले दिन बनना चाहिए, आज नायब सैनी जी का कार्यालय बिना अधिकारियों के है, उन पर है कोई जवाब इस बात का? ये दुष्प्रचार करने में महारत है इनकी बीजेपी को, यानी कि ये बेर को भी अंगूर कह के बेच जाते हैं, और बड़ी बड़ी जनता इनकी बात पर विश्वास कर ले जाती है।